अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर चांदी हो गई है। ये फिल्म न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है बल्कि अक्षय की इस फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। वैसे तो आए दिन ये फिल्म कोई ना कोई बड़ा रिकॉर्ड तोड़ती ही रहती है, वहीं अब लीजिए इस फिल्म ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है। दरअसल खिलाड़ी कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान को मात दे डाली है। आपको बता दें कि साल 2009 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स ने हर किसी का दिल जीत लिया था। यही वजह थी कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 202 करोड़ रुपए का कारोबार भी किया था। वहीं हाउसफुल 4 ने 203 करोड़ 8 लाख रुपए की कमाई कर ली है। इसी हिसाब से देखा जाए तो हाउसफुल 4 ने 3 इडियट्स को हरा दिया है। आमिर को धूल चटाने के बाद अब अक्षय का नेक्स्ट टारगेट है शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर और अजय देवगन की गोलमाला गेम। जहां हैप्पी न्यू ईयर ने 205 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं गोलमाला गेम ने 205 करोड़ 75 लाख रुपए का कारोबार किया था। बात करें हाउसफुल 4 की तो फिल्म में अक्षय के साथ साथ कृति सैनन, कृति खरबंदा, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और रितेश देशमुख जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए हैं। फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स ने एक बेकार फिल्म बताया था। इतना ही नहीं, फिल्म में कमाई को लेकर भी कई तरह के सवाल भी उठे। हालांकि ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और कौन सा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ती है। वैसे आपके इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सर, ये 34th सीरीज है हाउसफुल की, इससे पहले 3 सीरीज आ चुकी है। चारों सीरीज में बहुत कुछ बदला है सर, डायरेक्टर बदले हैं, कहानी बदली है, कोई एक्ट्रेस बदले हैं। अगर नहीं बदली हाउसफुल में तो सिर्फ 2 पिलर, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, और वो मेन सर चंकी, चंकी, चंकी। जी जी जी, दो पिलर नहीं है। नहीं नहीं, पिलर ही है सर। वो क्या फर्नीचर है। तो सर, ये बदलने के बाद आप लोग पुराने को एक्टर्स को कितना मिस करते हैं आप सर, अक्षय कुमार और रितेश सर? वो हमेशा पार्ट रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हम उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, वो हमेशा पार्ट रहेंगे। बल्कि मैं और नाडिया एक दिन यही सोचे थे, एक हाउसफुल बनाएंगे जब वापस सबके सब मिलेंगे, क्योंकि वो तो वो ये कह सकता हूँ, नाडियाड़ो में बात कर रहे थे कि वो हमारी एवेंजर्स रहेगी, कॉमेडी एवेंजर्स। तीसरा सवाल, कीर्ति, दोनों कीर्ति और पूजा जी, आपसे सवाल था। अक्षय सर के बारे में आपको तो पता ही है, वो प्रैंकस्टर के लिए अच्छे जाने जाते हैं, हर शूटिंग में वो करते हैं प्रैंक करते हैं। तो आप तीनों ने क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा प्रैंक आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि हमेशा करते हैं वो? आई थिंक थैंक्स टू हिम, हम तीनों के हाथों में गोबर था एट वन पॉइंट। उन्होंने एक दिन हम लोग सेट पे बैठे हुए थे तो बस बातों में बोला, तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में क्या लगता है, तीनों लड़कियों से पूछा। And that's how the prank started, and it was all done in great spirit. So let's make that very clear. But yeah, he is one of the funniest people we worked with, and very respectful and very funny, very very. Okay, एक जान शुरू करें, मतलब आगे बढ़ने से पहले एक मीडिया वाले एक प्रश्न पूछे, भगवान का वास्ता है, तीन लेके आया, वो तीन लाता है. Okay. अक्षय बाजी here on the left. अक्षय बाजी here on the left. यहाँ पे. This is Simran Singh from First Post, and congratulations to the team. Within 9 years, this is the 4th film. So, मेरा सवाल आपसे ये कि जैसे आप पिलर हैं, रितेश जी पिलर हैं, चंकी जी पिलर हैं, साजिद भाई पिलर, वैसे एक और पिलर थे वो साजिद खान, जो इस फिल्म के डायरेक्टर, जिन्होंने हेल्प की थी. But in future, will you work with him again? Well, देखिए, if he's सब कुछ ठीक रहा, if he's acquitted with everything, I mean, which I don't know what has happened exactly, and if he is, after that surely I will. रितेश जी, आपके ठीक सामने, हाय। हाँ सर। You know, कल हमने आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा, एंड आज हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं। कभी आप तलवार निकाल लेते हैं, कभी माइक, यू नो, और क्या क्या निकाल लेते हैं। पहला सवाल सर, अनफॉर्चुनेटली आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाता।
शायद पुनर्जन्म जी, शायद अगर आप पुनर्जन्म लेंगे, अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकाल लेंगे। नहीं सर, फिर भी नहीं करूँगा। यू नो डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप, मतलब अक्षय जी जब बॉबी देओल ये ऐसे तीनों महारानी आपके सामने रहती तब आप ऐसे एक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है, जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते तो एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती है, एंड देन दे गाइड यू कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना पड़ता है। एंड सो ऑल थैंक्स टू द राइटिंग एंड द डायरेक्टर दैट हैज़ हेल्प मी डू दिस, बट वॉट आई सेड वाज़ इन गुड स्पिरिट, सो इफ इट हर्ट्स यू आई एम डैम सॉरी। नो, इट्स ओके। बट आई हैव टू से दैट जितना नज़ाकत और अदा रितेश में है, हम तीनों में नज़ाकत भी नहीं है। लाइक मुझे आई लव टू कम टू टेक क्लासेस फ्रॉम भांगड़ू महाराज। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप तीनों महारानियों से हैं, यू नो कि अगर हाउसफुल जब आई थी एंड नाउ हाउसफुल फोर, सो आप लोग को लगा था जब आपने हाउसफुल देखी होगी कि हम एक दिन हाउसफुल फोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे? लाइक तब तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है। वो तो बहुत मतलब आई थिंक तब से अब तक काफ़ी कुछ बदला है, बट इट्स वेरी वेरी सरियल एंड स्पेशली फॉर मी कमिंग बैक टू वर्किंग विद साजिद नाडरवाला सर हु हैज़ लॉन्च्ड मी, आई थिंक this is the best way I could have come back working with him at home with a great franchise like Houseful 4. Pooja ji? Yeah, I don't think mujhe kabhi laga tha ki main Houseful karne wali hu, because like she said, I never thought I would be an actor. But I think jo aapne 1, 2, or 3 Houseful dekha hai, ye bahut hi alag hai. Even simple things jaise ki hum rajkumariyan बहुत ही लाइक वी आर वॉरियर प्रिंसेसेस, यू नो, तो हम एक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में, एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट सो यूनिक दैट आई गॉट टू प्ले पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ इन वन फिल्म, सो इट्स गोना बी यूनिक। आप कुछ कहना चाहेंगे कृति खरबंदा जी? हाउसफुल इज़ प्रॉबेबली माई मोस्ट फेवरेट कॉमेडी फ्रेंचाइज फिल्म। आई कॉन्ट बिलीव समटाइम्स दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। जब पहला पोस्टर आया था, फॉर मी इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड। मैंने मॉम को सबसे पहले व्हाट्सएप पे भेजा बिफोर आई पोस्टेड इट ऑनलाइन सेइंग माय आई कांट बिलीव आई एम इन हाउसफुल। इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ऑल आईड लाइक टू से इज ऑफकोर्स एवरी मूवी इज स्पेशल, बट हाउसफुल डेफिनेटली इट टिक्स समथिंग ऑफ माई बकेट लिस्ट एंड आई फाइंड इट अ मैटर ऑफ ग्रेट डील टू हैव वर्क्ड विद सच लवली पीपल। एंड पीरियड ड्रामा भी कर लिया, हाउसफुल भी कर ली, 2-in-1 हो गया हमारा। तो अक्षय जी एक आपके ठीक सामने इनकी लिस्ट है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। यू नो आपने कई बार बताया है कि जिससे आपने एक्टिंग सीखी है, जो आपके गुरु हैं वो हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। हाल ही में उन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए उनका नाम आया है, तो अगर आप अपने कुछ ब्यूटीफुल अल्फाज उनके लिए कुछ अगर आप कह सकें। रितेश जी आपसे भी, बॉबी जी प्लीज। मैं उनको फ़ोन करके कह दूँगा हमारे लिए वीडियो बाइट हेलो अक्षय सर, दिस इज सूर्या हियर फ्रॉम बॉलीवुड क्रेजीज एंड देयर इज वन क्वेश्चन। सर हाय, दिस इज हियर, या अक्षय सर, या माय क्वेश्चन टू यू इज लाइक इस तरह की कॉमेडी जनर थोड़ा आजकल कम आ रही है और कॉमेडी फिल्में थोड़ी कम बन रही है, ऐसे में एक यूनिक कंसेप्ट लेकर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कितना डिफिकल्ट रहता है एज एन एक्टर के लिए, दो अलग अलग रोल करना और मेकर्स के लिए इस तरह की फिल्म जस्टिफाई करना, एक बड़ी फिल्म बनाना ताकि ऑडियंस को पसंद आए, बिकॉज द ट्रेलर वाज माइंड ब्लोइंग। सबसे पहले शुक्रिया कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा। दूसरी बात है, एक शेर दिल चाहिए होता है इतनी बड़ी फिल्म बनाना, जो कि हमारे साथ फॉक्स हैं, हमारे साथ साजिद नाडियाडवाला है, इन्हीं का शेर दिल है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बना लेते हैं। और मुश्किल बहुत रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे इतने एक्टर्स को लेके उनको एक फिल्म के अंदर पिरोना, वो बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन अगर जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्नीशियंस खेल के काम करें तो इस मुश्किल का पता नहीं चलता, बहुत आसानी से निकल जाती है।